हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, आज की जो वीडियो है हमारी होने वाली है स्टेल्थ मिरर के ऊपर, जिसको आप एस्टो मिरर या स्टेल्थ मिरर या स्टेट मिरर, काफ़ी लोग अलग अलग नाम से बोला जाता है, लेकिन चीज़ होती है ये सिंपल सीधे विंक मिरर भी बोलते हैं। अब आप लोग आगे देखोगे तो आप लोग समझ जाओगे कि मिरर कौन से वाले हैं। टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने देख लिया कि आप लोगों को पता चल गया कि जो लोग इन मिरर को अलग अलग नाम से बोलते हैं, चीज़ एक ही है और इनकी जो क्वालिटी का काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। उसी के साथ में जो आप लोगों ने पहले मिरर देखे थे विंक मिरर, इसके अंदर आप लोगों को एलईडी लाइट्स नहीं देखने के लिए मिलती थी, जबकि जो अब वाले जो मिरर हैं इसके अंदर आप लोगों को एलईडी लाइट्स मिलती है जो कि आपकी यूज़ होती है इंडिकेटर के साथ में। अब केटीएम वाले जो बंदे हैं उस चीज़ को भी ये भी नोटिस कर सकते हैं कि अपनी R15 V3 या R15 M के अंदर या जितनी भी फेयरिंग बाइक से आप उनको उस बाइक के अंदर भी लगा सकते हो। तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ मिरर और मिरर की क्वालिटी देखना। अगर कोई भाई बाय करना चाहता है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और एड्रेस वगैरह शॉप का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं यहीं से। सो गाइस, ये अपने पास में एलईडी मिरर का बॉक्स और बॉक्स देख लो आपको कुछ इस तरीके की पैकिंग में देखने के लिए मिलता है, जिसके ऊपर आप लोगों को दिखता है मैक्स प्रोटेपर और रियर मिरर और कुछ इस तरीके का बॉक्स है। और जो पहले वाला जो बॉक्स आता था उससे काफ़ी अलग है और इस पर कलर मेंशन करा गया है ब्लैक कलर का और कुछ इस तरीके का बॉक्स है। अब इसको करते हैं बॉक्स को अनबॉक्स और दिखाते हैं इसके अंदर का जो एलईडी रियर व्यू मिरर है वो किस तरीके से देखने के लिए आपको मिलता है। जैसे हम अलग अलग भाषा में कोई स्ट्रेट मिरर बोलता है, कोई स्टेल्थ मिरर बोलता है, कोई विंग मिरर बोलता है, जैसा नाम और चीज तो गाइस एक ही है। तो गाइस, ये मिरर कुछ इस तरीके का मिरर है और अब करते हैं इसको अनबॉक्स। सो सबसे पहले आप लोगों को देखने के लिए मिलती है ऊपर तारें, जिससे आप लोगों को सब पता चल जाएगा कि हाँ जी ये एलईडी मिरर है। और उसी के साथ में यहाँ पर देख लो गाइस, रबड़ मिलती है। यहाँ पर आप लोगों को ब्लाइंड स्पॉट मिरर है वो भी देखने के लिए मिलते हैं और इसके अंदर कुछ स्क्रू है, टेप मिल जाती है आप लोगों को इसके अंदर इस मिरर को चिपकाने के लिए। और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को मिलता है देखने के लिए स्टेल्थ मिरर, ये हमारा दूसरा मिरर है। गाइस, आप लोगों को एक चीज मैं बता देता हूँ, जो हमारे पहले वाले जो मिरर आते थे ना उससे ये वाले मिरर की गाइस हाइट भी ज्यादा है और जो इसका शीशा अंदर लगा हुआ उसका भी जो साइज है वो भी ज्यादा है। और सामने की तरफ आप लोगों को एलईडी जो लाइट है इसकी वो भी देखने के लिए मिल जाएगी। इसकी एलईडी लाइट भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी, जिसमें कि आप लोगों को ऑरेंज कलर, एम्बर कलर जिसे हम बोलते हैं वो देखने के लिए मिलेगा। इसकी वायर की क्वालिटी काफी सही देखने के लिए मिल जाती है। अगेन फिनिशिंग है, आप लोगों को पहले की तरह फिनिशिंग देखने के लिए मिलेगी और बल्कि जो इसका जो साइज है, साइज में इसको कर दिया काफी बड़ा, जिससे आप लोगों को जो मिरर का जो व्यू है पीछे का काफी अच्छे देखने के लिए मिलेगा। तो ये हमारा एलईडी स्टेल्थ मिरर, अब लगाएंगे इसको अपनी R15 M के अंदर। ये मिरर आप V3 में भी लगा सकते हैं, V2 में भी लगा सकते हो, अपाची के अंदर भी लगा सकते हो, ऑलमोस्ट जितने भी फेयरिंग बाइक्स है आप इस मिरर को सभी बाइक्स के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। आप लोगों की चाहे 10 लाख की बाइक हो या 18 लाख की बाइक हो, उन सब के अंदर भी ये स्टेल्थ मिरर लग जाएगा, क्योंकि जो इसकी फिटिंग है गाइस यूनिवर्सल फिटिंग देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर आप लोगों को एडजस्टमेंट का भी एक ऑप्शन मिल जाता है। आप कहीं पर भी इसको एडजस्ट करके लगा सकते हो, जिसमें कि आप लोगों को कोई कटिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई इसके अंदर मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है कि हाँ आप लोगों को इसको घिसना है या कुछ, ये डायरेक्ट फिट हो जाएगा आपकी बाइक के अंदर किसी में भी। चलो अब करते हैं इसको इंस्टॉल डायरेक्ट। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इसके अंदर हमने स्टेल्थ मिरर लगा रखे हैं और ये अपना पुराना वाला है मॉडल है, जो इसके अंदर आप लोगों को बिना एलईडी के मिरर देखने के लिए मिलता है। इसका साइज देख लो भाई इतना है और आप लोगों ने देखा था वाले का मिरर का साइज इतना है। तो अभी आप लोगों को दोनों कंपेयर करके दिखा देता हूँ कि दोनों में कितना फर्क आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इसके अंदर जो मिरर है ये देखो भाई कितना ही, मतलब इसके ऊपर अगर रख दिया जाए नीचे वाला मिरर ढक जाएगा। और देख लो कितना फर्क है दोनों के मिरर के अंदर, ये देखो अगर इधर से देखा जाए तो आप लोग देख पा रहे हो कितना फर्क है। और इसके जो हाइट है, हाइट भी ज्यादा है और उसकी जो विड्थ है वो भी बहुत ज्यादा है। तो अब लगाते हैं इस वाले मिरर को अपनी R15 M के अंदर। तो मिरर लगाने के लिए हमने सबसे पहले कही इन दोनों मिरर को खोलना पड़ेगा, जिसके लिए एक वाला स्क्रू एक वाला स्क्रू, इन दोनों को खोलना पड़ेगा। उसके बाद में हम लोगों ने ये दोनों पैनल खोलने हैं। पैनल खोलने के बाद में आप देखोगे यहाँ पे इंडिकेटर के वायर होते हैं दोनों साइड में होगी, जिससे हम एलईडी इंडिकेटर के वायर के कनेक्शन हम दोनों के साथ में कर देंगे। अब करते हैं इन दोनों काम को फटाफट। तो अब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, देख लो गाइस कितना ज्यादा फर्क है दोनों के मिरर के अंदर, ये देखो गाइस। अगर आप ऊपर वाला लोगे तो आप लोगों को ये भी हमारे स्टोर पे अवेलेबल है, छोटा वाला लोगे तो वो भी मिल जाएगा। छोटा वाला आप लोगों को मिल जाएगा सिर्फ 1500 रुपये का। आप दूसरा वाला लोगे तो इसका व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, वहाँ से आके आप कॉल कर लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा दूसरा वाला मिरर एलईडी वाला कितने का है कितने का नहीं। बाकी अपने स्टोर पे तो ऑल टाइम अवेलेबल है एलईडी मिरर। तो अपना मिरर लग चुका है और हमने इसका वायर यहाँ से निकालने के बाद में इधर से निकाल लिया। और अब क्या आता है, इसके अंदर दो आप लोगों को वायर देखने को मिलते हैं, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये हमारी इंडिकेटर की वायर आ जाती है, तो जिसमें कि आप लोगों को देखने के मिल जाती है एक नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव। इन दोनों के अंदर का अंदर प्लग टू कपलर ये हो जाएगा, इसके अंदर कोई वायर कटर हमारे पास में नहीं होने वाली।
तो गाइस एक साइड का मिरर हमारा लग चुका है जिसके कनेक्शन भी हम लोगों ने कर दिए। ये देखो गाइस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आपस में देख लो अलग अलग लग गए। ग्रे वाला हमारा पॉजिटिव वायर है और ब्लैक वाला हमारा नेगेटिव है। अब हम क्या करेंगे इसको ऐसे ही फिट कर देते हैं। एक बार आप लोगों को चेक करा दो उसकी जो लाइट है वो कैसी दिख रही है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इसके अंदर से लाइट है, काफ़ी सही लाइट देखने के लिए मिलती है हमें। और अगेन ये फ्लैशर के साथ में इस तरीके से वर्क कर रहा है जिस तरीके से हमने ये लगाया, और सेम प्रोसीजर रहेगा यहाँ का भी लगाने का। और यहाँ पर हमारे पास में R15 V3 इसके अंदर लग रहे हैं, R6 मिरर। तो दोनों बाइकों का लुक चेकआउट कर लेना लगने के बाद में। और इसके साथ में जो मिरर है ये देखो LED वाले मिरर है जो अपना पहले आते थे, तो ये भी देख लो किस तरीके के मिरर है। ये भी LED में है, अब ये भी LED में। अब जो लगेगा इसमें R6 मिरर लगेगा। अब ये वाला हम लगा देते हैं साइड वाला। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इसके अंदर हमने LED वाले मिरर हैं दोनों इंस्टॉल कर दिए। और फिटिंग देख लो गाइस काफ़ी अच्छी फिटिंग आई हुई है। और जो इसका व्यू है आप लोगों को पीछे से पूरा का पूरा व्यू उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। जो इसके अंदर शिकायत आ रही थी आप लोगों को कि इसके अंदर व्यू नहीं दिखता, तो आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ व्यू। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो एक साइड का हमने कर दिया, अब ये देखो दूसरी साइड का भी हम विंग मिरर है। ये देखो भाई मतलब पीछे का बंदा पूरा दिख जाएगा आप लोगों को, मैं भी दिख रहा हूँ सामने मिरर के अंदर। और ये आप एडजस्ट भी कर सकते हो उसको ऊपर नीचे, आप जैसे भी इसको फोल्ड करना चाहो तो आप फोल्ड हो सकता है। और देख लो व्यू कुछ आप लोगों को जिस तरीके से देखने के लिए मिलेगा अपनी बाइक का। और ये देख लो अपनी बाइक दिल्ली के अंदर सिर्फ एक ही सिंगल बाइक ऐसी है जो इतनी मॉडिफिकेशन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी अपने बाइक के चैनल पर टेक्नो खान पे। और देख लो कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। अब इसकी जो आप लोगों को LED लाइट्स है वो चेक करा देता हूँ मैं एक बारी। सो इस टाइम बज रहे हैं गाइस 5:28, तो अपनी बाइक सामने की तरफ है। अब इसके जलाते हैं इंडिकेटर्स। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ये देखो LED इंडिकेटर्स, ऐसा लग रहा है अपने जैसे KTM बाइक में आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं LED वाले मिरर, कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। अब इसका साइड इंडिकेटर चला के दिखाता हूँ मैं। सो ये देख लो गाइस साइड इंडिकेटर आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। और LED लाइट्स देख लो पूरा प्योर एम्बर कलर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ये देखो दोनों साइड का। अब इस जैसे ही हम इसके पैटर्न चेंज करते हैं तो इसके पैटर्न चेंज होने के बाद में जो इसके जो इंडिकेटर है सेम उसी तरीके से जलेंगे जिस तरीके के आपके जो LED पैटर्न्स होंगे उस तरीके से आप लोगों को लाइट है इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी। सो एंड ऑफ द लिस्ट ये हमारे जो ब्लाइंड स्पॉट मिरर हैं अब इसको भी लगा देते हैं, क्योंकि इसके बिना तो मिरर थोड़े अधूरे से लग रहे हैं। जब भाई चीज़ साथ में मिले तो लगाना भी उसको सही रहता है, क्योंकि इसके साथ में 3M की टेप है। तो भाई लगाते हैं इसको और लगने के बाद में आप लोगों को लुक चेकआउट कराता हूँ इसका लुक जो आप लोगों को किस तरीके से देखने के लिए मिलता है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो इसमें ब्लाइंड स्पॉट मिरर भी है, वो हमने इसको अंदर इंस्टॉल कर दिया। देखो पीछे खड़े हुए बंदे बहुत अलग दिख रहे हैं। और ये देखो भाई मतलब कितना फ़ायदा हुआ छोटे वाले मिरर को लगाने के बाद में, जो इसका जो लुक है और भी ज़्यादा इन्हेंस हो गया। और भाई देख लो है तो ये शानदार, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। कॉमेंट करके बताना आप लोगों को ये कैसे लगे। गाइस आप लोगों ने देखी मेरी R15 M है, उसके अंदर हमने कितनी ज़्यादा मॉडिफिकेशन अभी तक इसके अंदर करी है। और आप लोगों ने देखी थी कितनी मतलब कुछ पार्ट्स रह रहे हैं इसके अंदर, जैसे कि इसके अंदर एग्जॉस्ट रह रहा है, ब्रेम्बो की पूरी कंप्लीट किट रह रही है जिसके अंदर हमने इसके अंदर क्लच वाला भी सिस्टम पूरा चेंज करने वाला, जैसे कि आप लोगों ने देखा है डबल हाइड्रोलिक जो होता है उसके अंदर हम इंस्टॉल करने वाले। अगर कोई भाई अपना स्टोर पर आना चाहता है तो स्टोर का एड्रेस है सिंपल है सामने सिलमपुर से, और ये देखो पीछे मेरे ब्रिज है, यहाँ से आके आप आओगे तो सामने पीछे की तरफ आप लोगों को मार्केट मिल जाएगा। तो गाइस बस यही था आज की वीडियो में, होप करते हैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। और हाँ अगर किसी को भी ये बाय करना हो तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और बाकी स्क्रीन पे नंबर आ रहे होंगे, वहाँ से आके आप उसको बाय कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं जल्द आपके साथ में एक नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन बाय।